आप मेरा राशिफल नहीं देख रही हो, ठीक है? नहीं, अगर राशिफल विगत 3 दिन का देखे होते तो आ मकर राशि नहीं, मैं 12 राशियों का राशिफल हर दिन छोड़ता हूं, और ये राशिफल को लेके मेरे साथ इतने लोग मना कर रहे हैं कि मत बोलिए। जो भी देखता है सब बोलता है पंडित जी राशिफल मत छोड़ो, ठीक है? हाँ, नहीं, जब छूट सकती है, गारंटी किसी को नहीं है। देखिए, हम जो राशिफल बताते हैं तो ओवरऑल कॉमन चीज अवेयरनेस करवाते हैं, ना कि आप लोगों को डरवाते हैं, ठीक है? मतलब जब आपके दशम स्थान में धनु लग्न का केतु खड़ा है, इमेजिन करो मकर राशि का दशम स्थान में केतु लोगों को पानी पिला पिला के ठोक ठोक के पीट पीट के पस्त कर दिया। शायद इस चैनल में जाओगे तो ऐसे 200 वीडियो मिल जाएंगे जहां मकर राशि का केतु दशम में ट्रांजिट में चला गया नौकरी। अब बोलोगे धनु राशि का दशम स्थान में वृश्चिक का एकादश है, धनु का यहाँ दशम स्थान का केतु हो और बोलेंगे कि धनु राशि का नौकरी नहीं जाएगा, इज इट पॉसिबल? क्यों? केतु आपका ससुर जी लगता है क्या? बोले मेरा बहू है, छोड़ देते हैं, क्या करें इसको, है कि नहीं? यहां मैं ये बोला कि केतु यहां पर नक्षत्र परिवर्तन कर दिया, और किसके नक्षत्र में? चंद्रमा के नक्षत्र में। केतु और चंद्रमा का आंकड़ा क्या है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन पे क्या, अभी देखो अभी तक चंद्रमा केतु चित्रा नक्षत्र में ले देके ठीक ठाक था। चित्रा प्रत्यारी नक्षत्र में आता है और इस कंडीशन पे केतु पावर में भी नहीं था, लेकिन जहां हस्ता कुछ चंद्रमा का नक्षत्र में घुसा तो पावर बढ़ गया, और जब पावर बढ़ा तो नेचुरली अभी वो नौटंकी चालू करेगा। नौटंकी चालू करेगा तो तभी तो आपके मन में आ रहे कि हम इंग्लैंड चले जाएं बोल के, यहां से समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं, ये केतु नहीं करा रहा है, हम करा रहे हैं। बोला फिर देख लो। अब सीधा सा गणित देखते हैं कि यहां केतु माने साथ और कन्या राशि माने बुध माने 5, 5 और 7। तो यहां हस्ता नक्षत्र, इस हस्ता नक्षत्र का अगर नंबर को हम लोग डिकोड करते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी, ठीक है ना? तो यहां पर तो उग्रता ले रहा है, यहां छठा में अच्छा फल है, ठीक है, लेकिन बुध का जैसे जैसे कंडीशन और इस घर के ऊपर जब तक यहां गुरु बृहस्पति का दृष्टि नहीं आ रहा है, तब तक तो धनु राशि धनु लग्न के लिए कैरियर हाउस में टेंशन रहेगा ही। मई के बाद गुरु यहां दृष्टि देगा तो केतु को थोड़ा सा कंट्रोल बटन में लाके डालेगा, स्वाभाविक बात है। अच्छा, सबका तो नौकरी नहीं जाएगा ना, जो लोग अपने नौकरी के लिए जितना रिलायबल होना चाहिए, जितना सही होना चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं उनका नौकरी जाएगा, उनका नौकरी जाएगा। और अगर आप अपने नौकरी के लिए दायित्ववान हो, कर्तव्य ठीक से निभा रहे हो, और दशा अंतर दशा सपोर्टिव है, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। अभी कौन सा महादशा चल रहा है आपका? जब राहु का महादशा चल रहा है और धनु के लिए चतुर्थ स्थान में राहु है तो मेंटल टेंशन, मानसिक मन के घर में धनु राशि धनु लग्न के मन में राहु, हाँ चल रहा है ना। अब सोचो, खुद आप अनुभवी हो, जब मकर राशि के चतुर्थ स्थान में राहु मन के घर में मां के घर में रहा तो मानसिक ब्लड प्रेशर टेंशन तनाव छिन सामन खिन सामन करा के रख दिया था,
अभी धनु वालों को छोड़ देगा, बोलेगा तुम, मैं तेरा ससुर हूं, छोड़ दूंगा, बोल के नहीं छोड़ने वाला, तो वो मेंटल टेंशन देगा। राहु देख रहा है दशम स्थान को, केतु के ऊपर दृष्टि है, तो वो तो होते ही है जनरल। तो 4 और 10 एक्सिस जब प्रॉब्लेमेबल कंडीशन पे जाएगा, इधर मन में तनाव, मन में टेंशन, मन में दुर्भावना, मन में गंदा भावना, मन में नेगेटिव थॉट, हड़बड़ी, राहु हड़बड़ी का कारण है, और इधर से दशम में केतु, केत छुड़ाए खेत, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि सबका चला जाएगा, डिपेंड अपॉन द दशा, अंतरदशा और परिस्थिति के अनुसार कई सारे धनु बालों का नौकरी जाने का संभावना है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, इसके बाद आप मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत जल्दी आ रहा है, कुछ नहीं और 2-3 महीना इंतजार कर जाइए, मंगल को वहां घुसने दीजिए, फिर धड़ाधड़। अभी तो कुंभ राशि वालों का हजारों का नौकरी जा चुका है, कुंभ वालों का नौकरी जा रहा है, क्योंकि दशम स्थान उनके कैरियर हाउस में शनि और राहु का दृष्टि है। लेकिन ये लोग करते क्या है ना, सोबाजी, देखो हमारा सींग निकला है, हमारा मूंछ निकला है, हमारा पूंछ निकला है, हम अमीर हो चुके हैं, हम बहुत अमीर हैं, देखो, क्योंकि आपको रिझाना है, आपको अहंकार करना है, आपको सोबाजी करना है, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार जगे, आप थोड़ा टिंगटिंगाओ, आप नहीं टिंगटिंगाओगे तो सामने वाला कैसे शांति होगा, ठीक है ना। तो वो मानसिकता को आप समझ नहीं पाओगी ना। देखिए अभी नौकरी, अभी सुनिए, नौकरी बचाइए पहले, जब तक मई का महीना पार नहीं होता है, मई जून नहीं पार होता है, थोड़ा 10th हाउस के ऊपर गुरु थोड़ा स्ट्रांग दृष्टि नहीं देता है, नौकरी अभी मन करेगा इंग्लैंड भाग जाएंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस समय थोड़ा सा धैर्य रखें और मई के महीना का इंतजार करें, ये पहला बात। दूसरा,